भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में अब कांग्रेस निकालने जा रही है जन आक्रोश यात्रा। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय रघुवंशी। सर, क्या लगता है आपको, कैसे क्या यात्रा आपकी निकलेगी बुरहानपुर में? जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी की तो है ही है, ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये जन आक्रोश यात्रा आ रही है। और कल इसका आम सभा, हमारी जो जन आक्रोश यात्रा की आम सभा इकबाल चौक में होगी और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने बुरहानपुर की जनता को छला है, चाहे बुरहानपुर की ताप्ती मिल बंद हो, चाहे पावरलूम उद्योग को धराशायी करने का काम हो, चाहे बुरहानपुर ज़िले के किसानों से छलावा करने का काम हो, चाहे किसानों की फसल का बीमा नहीं करने का काम हो, उद्योग एक भी बुरहानपुर में पिछले 20 सालों में नहीं खोलने का काम हो, और जिस प्रकार से युवा बेरोजगार घूम रहा है, सड़कों की हालत बद से बदतर है और शहर में हर प्रकार से सुस्त रहित रही है और 50% कमीशन का खेल बुरहानपुर की जनता अपने आंखों से देख रही है। डबल इंजन की इनकी सरकार है और डबल इंजन की तरह ही ये सरकार कमीशन ले रही है, तो ये सब बातों को लेकर जनता के बीच हम जन आक्रोश यात्रा लेकर जाएंगे। और इसके बाद परसों के दिन सुबह 20 तारीख की सुबह यात्रा बुरहानपुर से प्रारंभ होकर दरियापुर, सारोला, अम्बाड़ा, नेपानगर में आम सभाओं में तब्दील होंगी और फिर वहाँ से दुलकोट बोरी होते हुए खरगोन जिले में प्रस्थान करेंगी। तो इस यात्रा में आम जनता को हम जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। लगभग सभी ज़िलों के अंदर ये यात्राएं निकाली जा रही है, लगता है आपको इसके जो जन आशीर्वाद यात्रा के कंबाइन में इसका यात्रा का असर होगा? जन आशीर्वाद यात्रा तो सिर्फ भाजपा नेताओं की यात्रा थी, कहीं पर भी कोई जनता नहीं दिखी, क्योंकि जनता इनको आशीर्वाद दे दे के थक चुकी है और अब जनता जो है इनसे सवाल जवाब कर रही है। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा तो इनकी जनता की धोखे देने की यात्रा थी, जनता के माफ़ी मांगने की यात्रा थी और हम जन आक्रोश यात्रा, जनता हमारे साथ है, जनता के लिए लड़ाई लड़ने की हम यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जनता ने आशीर्वाद तो कांग्रेस को 2018 में भी दिया था। बिकाऊ लोग होते हैं जिनका इतिहास देश से दोगला करने का, जिनका इतिहास देश से गद्दारी करने का रहा है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और जनता के मताधिकार से गद्दारी की। अब जनता उनको इस धोखे की, इस चोरी हुई सरकार की, जो जनता के अधिकार को जनता ने, जो कांग्रेस को बहुमत दिया था, जो उसको चोरा है, जो उनसे गद्दारी की है, उसका सबक सिखाएंगी और जनता इस बार 150 से ज़्यादा सीटें लाकर पूरे बहुमत से कांग्रेस को सरकार बनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अजय रघुवंशी जी थे, कांग्रेस के नेता हैं, जिनसे हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। BNC मीडिया के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश अजहर खान, BNC मीडिया बुरहानपुर।